एसबी दुर्गा समिति ने नवरात्र के शुभ अवसर पर अखिल भारत हिंदू महासभा की 9 महिलाओं को किया सम्मानित। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार एवं दुनिया के सुख समृद्धि के लिए देवी माँ से की प्रार्थना। शंकर बोस पूर्वांचल अध्यक्ष शंकर बोस एवं लखन शर्मा पापे का रहा विशेष योगदान। वैष्णो देवी मंदिर से त्रिपिंडी लाकर किया विराजित लखन शर्मा पापे। शंकर बोस और उनकी पत्नी समाजसेवी दुर्गा बोस हैं काफ़ी चर्चा में। वाराणसी एसबी दुर्गा समिति दीवान ताराचंद धर्मशाला सुड़ेया बुला नाला वाराणसी से नवरात्र के शुभ अवसर पर अखिल भारत हिंदू महासभा की 9 महिलाओं को सम्मानित किया, जिसमें मुख्य अतिथि महेश चंद श्रीवास्तव एवं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सदस्य प्रदेश प्रभारी श्रीकांत। मैं दुर्गा बोस समाज सेविका। आज आपको सम्मान मिला है, क्या कहेंगे इसको? हमको सम्मान, हमको बहुत अच्छा लगा। ये माता का सौभाग्य है जो हमको ये सम्मान प्राप्त हुआ, और नारियों के लिए ये सोचा जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। नवरात्र का समय है, काशीवासियों को क्या कहेंगे नवरात्र? नवरात्र काशीवासी इसी तरह हर्ष उल्लास से माँ का त्यौहार मनाते रहें और माँ की जय जयकार होती रहे। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रदेश प्रभारी श्रीकांत पांडे। आज नौ माताओं का सम्मान किया गया, क्या कहेंगे? एसबी क्लब द्वारा जो अखिल भारत हिंदू महासभा की सभी सनातनी महिलाओं का सम्मान किया गया, इसमें एसबी क्लब के सभी मेंबर्स और सभी सदस्य को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि वे अखिल भारत हिंदू महासभा सभी पदाधिकारियों को सम्मानित किए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई और के पात्र हैं। एसबी दुर्गा समिति लखन शर्मा पापे कोषा अध्यक्ष, आज यहाँ आपके क्लब के द्वारा महिलाओं का सम्मान किया, क्या कहेंगे साथियों? हम लोग नौ देवी के रूप में लोगों का आज सम्मान किया गया, इनको जो हम लोग मोमेंटो और चुनरी पहना के एक शक्ति रूप में इनका जो है स्वागत किया गया। क्या कहेंगे काशीवासियों के लिए? काशीवासियों के इसी कहेंगे कि ऐसा माता रानी से यही मनाएंगे और कहेंगे कि जो कलकत्ता में हुआ है ऐसा बनारस बांग्लादेश में जो हुआ है वो यहाँ बनारस में ना हो, पूरे विश्व में ना हो, यही माता रानी से कामना है। ठीक है, सब लोग तो सामने से हम संस्था के साथ अरे यार अब तू अब आज आज है होती बा गुरु सम्मान के बाद जीवन यही में बीत गए। जी मैं संतोषी शुक्ला दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान की अध्यक्ष हूँ, और आज दुर्गा समिति द्वारा जो है यहाँ पर आयोजन किया गया है और मातृशक्ति को जगाने के साथ साथ नवरात्र में अष्टमी के दिन जो है नारियों का सम्मान किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय रहा है यहाँ के कार्यक्रम को। सभी मेंबर्स को मैं धन्यवाद देती हूँ। साथ ही मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी और ख़ास करके बेटियों के लिए कि जो समय चल रहा है उस समय के अनुसार शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, तभी जो है आप अन्याय से न्याय की ओर आप आगे बढ़ सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। मैं एसबी दुर्गा समिति क्लब का मीडिया प्रभारी हूं, और आज हम लोग, मेरा नाम शंकर बोस है, आज हम लोग नौ माताओं का सम्मान का कार्यक्रम किए, जिसमें हम लोगों ने स्मृति चिन्ह देकर माता रानी का उनका सम्मान कर रहे हैं दुपट्टा पहनाकर, और हम लोग ये समाज तक पहुंचाना चाहते हैं कि नारी शक्ति से बड़ा कुछ शक्ति नहीं है। महिलाओं का सम्मान किया है, वो महिलाएं कहाँ कहाँ से आई हैं? अखिल भारत हिंदू महासभा की सनातन को धर्म को मानने वाली और पूरे भारत में सनातन धर्म को फैला रही हैं इस स्तर की महिलाएं, जो लोग माँ जगदम्बा के और माँ की इच्छा से ही एक एक महिला यहाँ आई है, माँ ने बुलाया है। जिस तरह से बोला जाता है चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, तो माता ने ही नौ माताओं को बुलाया है। एसबी दुर्गा पूजा समिति है ये। क्या इतिहास रहा है सर इसका? क्या इतिहास रहा है? कब से बिठाई जा रही है ये? 24 साल से ये। कौन कौन से विशेष आयोजन, कौन से ऐसे रहते हैं कि जो दर्शकों को इसमें 3 तारीख से कार्यक्रम शुरू हुआ है और 3 तारीख से पूरा 9 दिन तक कार्यक्रम होता है। माँ का नौ देवियों का पूजा होता है, माँ वैष्णो देवी का यहाँ पूरा स्मृति चिन्ह और तीनों पिंडी माँ वैष्णो देवी मंदिर से आया है जो यहाँ पे डेली दर्शनार्थी दर्शन पूजा कर रहा है 9 दिन तक, और ये
त्रिपिंडी जो आया माँ वैष्णो देवी धाम से आया है पूजा, और जम्बू से वहाँ से प्रतिष्ठित हो के यहाँ आके पूजा हो रहा है। भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे? भक्तों के लिए यही कहेंगे कि जिस तरह से कोरोना काल हम लोग झेले हैं 1947 की आज़ादी के बाद, इस तरह से किसी तरीके से कोई भक्त आपदा से दूर रहे, और जो जिस तरह से बांग्लादेश में इस तरह अत्याचार हुआ है, इस तरह से माता के रूप में सारे भारत में तो नहीं सारे विश्व की रक्षा करे, माँ से बड़ा तो कुछ है ही नहीं है। और हम यही संदेश देते हैं कि हर तरीके से चूंकि माँ युद्ध की देवी है और हर जगह ये लड़ाई झगड़ा मार पीट दंगा खत्म हो और हमारा पूरा विश्व शांति का प्रतीक हो। अंदर आए, अरे वही सीधा रहा, सीधा ऐसे वही सही, उल्टा हो जाएगा। रुकिए, एक ग्रुप फोटो किया जाए। अरे यार आगे आगे मोबाइल मत लगाओ भाई, इधर देखिए आशुतोष कुमार सिंह जी, आइए हमारे बीच लोटू गुरु जी भी थे। बस बस ठीक है, कुछ सामने देखिए, सभी लोग इधर देखिए। आज नवरात्रि के पवित्र अवसर पे हम बनारस के सम्मानित नारियों का, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। कहने का पद होता है, बाकी सारे लोग माँ के सेवक है, माँ के भक्त है। अरे वो नीचे देख रहे हैं यार, एक जन सब लोग जिन महिलाओं का सम्मान हो गया उनको माँ का प्रसाद भी अर्पण करें। नमो पार्वती पते हर हर माने, जय माता दी। सामने 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 देखिए, प्रसाद देसी जी आगे रहे। आप संस्था के संरक्षक, अगर आप लोग पीछे रहेंगे तो दुर्गा बोस जी सदस्य अखिल भारतीय हिंदू महासभा। विनोद कुमार जी जाइए, आगे जाइए, एक बहन हमारी बाहर है उनको भी बुलाया गया। आप अंदर आए चप्पल उतार के बताओ राणा जी, एक हमारी बहन और चेहरा सामने कर लेना, इंडियन पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य, इधर घुमा लीजिए थोड़ा, संगीता चतुर्वेदी जी, इधर देखिए, ठीक